सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए NHM की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत वे यहाँ पर 1300 से ज़्यादा खाली पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी जमा नहीं कराना होगा, बिल्कुल फ्री आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से अंतिम तिथि 21 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 1356 वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम BSc की डिग्री नर्सिंग के साथ पास होना जरूरी है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री का उनके पास होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको 24,200 रुपये प्रति महीना इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आप आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है karnataka.gov.in। जॉब लोकेशन बैंगलोर कर्नाटका है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2020 है। तो दोस्तों, ये थी NHM की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस प्रकार से आप पूरी डिटेल यहाँ से विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो। और पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन कर्नाटका का ऑनलाइन पोर्टल है। इसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।